तो हेलो दोस्तों, क्या सब लोग स्वागत है आपका हमारे माइनक्राफ्ट के नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने स्ट्रीट फार्म को थोड़ा मोड़ा बना लिया था और इतना मैंने ऑफलाइन में फिल कर दिया। रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, और इतना बचा है उसको हम बाद में फिल कर लेंगे। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो हम बनाने वाले अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक वीट फार्म, जिससे ये लोग खाना खा सके और जल्दी मरे ना। आपको पता होगा कि शिप मर चुकी थी, बट वो अपने से स्पॉन हो गई। देखिए, 3-4 लामा आ गए हैं, मेरे पास लीड भी हो चुकी है। तो हम बनाएंगे वीट फार्म। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो पर मैं मतलब करता हूँ 10 लाइक्स के लिए, तो फटाफट से गोल कंप्लीट करो। चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस यार, अपने इस वीट फार्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा हॉय, और हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होगी शीड और वाटर। 3 चीज़ जो सबसे मेन है, तो उन तीनों चीज़ों को लेने के लिए हमें पहले चेस्ट चेक करनी होगी। देखो, अपने पास वाटर है, अनलिमिटेड वाटर सोर्स कैसे बनेगा गाइस? अपने पास तो एक ही है, उसके लिए एक आइडिया है, तो हमें कॉल्ड्रन बनाना पड़ेगा। बस उसको हम बाद में देखें, अभी हम एक ही बकेट डाल देंगे। हमें चाहिए होगा हॉय। हॉय को हम बनाते हैं। ये लिया मैंने कॉबलस्टोन्स और लिए स्टिक्स। ये सब स्टिक्स पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी। अभी हम बनाएंगे हॉय। हॉय 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 भाई की रेसिपी ये रही। इसे हम बनाते हैं, एक ही बनाएंगे, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। अभी हम इसको पहले स्टोर करवा देते हैं ताकि हम मर वर जाएँ तो ये काम है। अभी मैंने पिकैक्स नहीं बनाई है, वो सब हम शवल ववल सब हम बाद में बना लेंगे। अभी हॉय चाहिए अपने को। तो चलो गाइस यार, एक वीट फार्म बनाने के लिए जितना सामान चाहिए था उतना हमने ले लिया है, लेकिन अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम सीड कैसे लें। सीड तो अभी हमें मिली नहीं है इस इन्फिनिटी ब्लॉक से, आप देख सकते हैं, लेकिन सीड लेने का एक तरीका है। हमें चाहिए होंगे सिर्फ कुछ बोन लेते, और हमें करना होगा एक करिश्मा। करूँ? 3, 2, 1 गो। ये देखो, ये सब जो झाड़ पत्ते उग गए ना, अभी जब बड़े हो जाएंगे तो हम अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे सीड्स। अभी हम इसे 3-4 जगह और लगाते थे, यहाँ लगा देते, हर जगह लगाएंगे ताकि हमें सीड्स जल्दी मिले। यहाँ पे भी लगा देते हैं, और पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में तो हो ही जाएगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तब हमें सीड्स दे देंगे। अभी हम जितने बोन मिल्स हैं उन्हें हम स्टोर करा देते हैं। अभी तब से जब से ये उग रहा है तब से हम इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो उसके लिए हम चाहिए होगा स्लैब। कब बनाए क्या? चलो आपको दिखा भी देते हैं और स्लैब ले भी लेते हैं। अरे यार, क्या गंदा वाला भिड़ने वाले थे हम। ये सब गाइस मैं अभी भर दूंगा। पता है, क्रीपर भी आके फूट गया था, पिलेजर्स भी आ रहे थे गाइस। अभी मैं ऑफलाइन इसको भर रहा था, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पिलेजर्स आते हैं क्या। और ये देखो, 4 स्टैक स्लैब है, और मुझे लगता है कि इतने में तो ये हो ही जाना चाहिए। हम अभी 2 स्टैक अपने साथ लेके चलते हैं, और सैपलिंग वैपलिंग वो सब बाद में लगाएंगे, अब चलते हैं। अभी हम बनाएंगे, रुक जाइए बताता हूँ। ये जो अपने काउस के लिए हम बना रहे हैं, तो हम इसको बनाएंगे काउस के पास, हम इसको बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर बनाने के लिए हमें पहले करना होगा इसको बड़ा प्लेटफॉर्म को। हम इसको बराबर का कर देंगे और उस पर पूरा उगाएंगे। अरे लग जा, रुक जाओ, लग गया। अरे नीचे लग गया यार विस्टेज। चलो तो फटाक से इसको भर लेते हैं। चलो गाइस यार, इस प्लेटफॉर्म को मैंने बना दिया, आप देख सकते हो कि ये हर जगह से बराबर है। अभी हमें इस पर फार्मिंग करने के लिए पहले इसका आउटलाइन बनाना होगा। इसको हम वहाँ से एक ब्लॉक की गैपिंग देके इसको लगाते हैं यहाँ, जैसे विलेज में होता नहीं, हम वैसे ही इसको बनाएंगे। इसे यहाँ और वहाँ से भी एक ब्लॉक का गैप देते हुए यहाँ पर। और अभी, अरे ये तो गलत लग गया। चलो अभी इसको हम रिप्लेस करके लगा देंगे। ये उठना, इसको हम ऐसे लेते हैं और ऐसे लगाते हैं, तब गड़बड़ी नहीं होगी। आ आ आ आ, हार्ट अटैक गाइस, मर जाऊंगा मैं यार ऐसे खेलते हुए। तो स्निक कर लेते हैं। रात हो रही है, सोना पड़ेगा। चलो अब सीधे हम सो ही जाएंगे। ये पटाक, सोने के बाद गाइस हम सुबह उठेंगे और फटाक से अपना काम ख़त्म करेंगे। तो गाइज यार, ये पूरा मैंने डिज़ाइन देके इसको बना दिया। अब हमें वाटर बकेट भी डाल दिया। अब हमें इसे फटाक से हॉय से क्लीन करना होगा। क्लीन क्या, खेत जोतना होगा हिंदी में बोले तो। फटाक से हम खेत को जोत देते हैं। खेत को जोतने के बाद अभी हमें देखना होगा कि हमें सीड्स मिलती हैं या नहीं। अरे इतना जल्दी, अरे यार ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? बड़ा हुआ क्या थोड़ा सा? गाइज अब हमें इसे तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना तोड़े तो मिलेगा नहीं, जय माता दी बोलते हुए। मिल गई, मुझे एक शीट मिली। इसे तोड़ते हैं, कुछ नहीं मिला। जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ ये बड़े वाले को तोड़ने से मिलता है। इसे तोड़ते हैं, ए मिल जा बच्चे। अरे यार नहीं मिला, इसे भी तोड़ते हैं।
फ्लावर्स को रहने देंगे हमारे आइलैंड पे, थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन हो जाएगा। अभी सिर्फ तोड़ना पड़ेगा कुछ नहीं, ये तो देगा कुछ नहीं दिया यार, अभी एक ही शीट मिली है कुछ नहीं। ये क्या बोन मिल की वेस्टेज है, लेकिन एक मिली मतलब और भी मिलेंगे। लूटिंग थ्री लगा के तोड़े क्या, हो सकता है मैं शॉर्ट से तोड़ा इसलिए ना मिली, एक्स तोड़े क्या। इससे पहले हमें करना होगा स्नेक। मिली 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 मिली, क्या ये ऐसा सच्ची में होता है या नहीं। दो सीट से भी हम बहुत ज़्यादा उगा सकते हैं अगर नहीं मिली तो, हमें अब सीट्स की टेंशन नहीं है, फटाक से तोड़ते देखते मिलता है या नहीं। मिला 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 मिला, मतलब तो 50% चांसेस है मिलने के और 50% चांसेस है नहीं मिलने के, यही सब सीन है। तो गाइस अभी मैं सीड्स को कलेक्ट कर रहा था, लेकिन ये देखो क्या हुआ, एक क्रीपर आके मेरे मुंह पे फट गया। मुझे कुछ नहीं हुआ बट मेरी एक लामा टपक चुकी है, और अभी हमारे पास 3 सीड हो गए। अब मुझे पता ये यहाँ से है क्रीपर, मैंने अपने ट्रीफा में टॉर्चेस नहीं लगाई हैं इसीलिए वो स्पॉन हो जा रहा है। तो अभी हमें सबसे पहला काम हमारा ये है कि पहले इसको हम फिल करेंगे और फिर टॉर्चेस लगाएंगे अपने ट्रीफा में। फटाक से हम पहले इसको फिल कर लेते हैं। लगी हमारी डर्ट्स गाइस, हमने जितना बोन मिल छिड़का उससे बस 3 सीड ही मिले हैं। चलो पहले हम इसे लगा देते हैं। ये देखो हमारी खेत भी गीली हो गई है, इसमें पानी भी डाल चुके। 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें ढेर सारे मिल जाएंगे, कुछ दुखी होने की बात नहीं है। अच्छा हो मैं मरा नहीं, हमारे पास ये जितने भी स्लैब से ये वाटर बकेट थी ये सब हमारे हाथ से चले जाते हैं। अभी फटाक से हम इसको स्टोर करवाते हैं और फट से हम सबसे पहले बनाएंगे एक टॉर्च। गाइस सबसे पहले हमें टॉर्चेस लगाने होंगे। बच गए। फिर गिरेंगे गाइस, यार दिमाग खराब होता है मेरा। अभी हम हर जगह टॉर्च लगाएंगे क्रीपर की वजह से, और एक तो ये वन ब्लॉक की वजह से हर बार हम गिर जाते हैं यार। अभी मैं 3 से 4 बार मर चुका हूँ सिर्फ 3 एपिसोड्स में, ये मैंने 3 तीसरा चौथा एपिसोड में शूट कर रहा हूँ। फटाक से हम हर जगह टॉर्च ही भरेंगे, क्योंकि जहाँ भी क्रीपर स्पॉन होंगे वो इस ट्री के बीच में, क्योंकि यहाँ पे उनको सनलाइट नहीं मिलेगा और सनलाइट के नीचे वो सब जल्दी स्पॉन होते हैं, सनलाइट में सब कभी स्पॉन नहीं होंगे। अभी हम यहाँ पे टॉर्च बीच में भी लगा देते हैं, साइड साइड में तो लगाई थी मैंने, और बीच में टॉर्च लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक लगा देते हैं और एक लगाते हैं। गैस मेरा आइडिया था कि हम हर पेड़ के पास 4 टॉर्च लगाएंगे उसको, वो उसकी फेंसिंग की तरह करते हुए, बट क्या करें यार अभी इमरजेंसी, बाद में हम ऐसे करेंगे। अभी हमारे पास कोल भी तो नहीं है। हम गैस 2 दिन से मैंने तोड़ाई नहीं की है 1 ब्लॉक की, तब समझ सकते हो आप। ये सभी बीच बीच में कुप्चे उपचे हम लगा देते हैं, और लास्ट टॉर्च वो भी मैंने लगा दी। अभी हम चलते फटाक से अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारा काम तो यही था। अभी हम इसे फटाक से भर देते हैं, अभी हम भर देंगे, हमारे पास स्लैब तो है ही, अभी बस इंतज़ार है इसे ग्रो होने का। गैस बोन मिल छिड़को क्या, छिड़क देते यार, 3 बोन मिल से क्या जाएगा। 3 बोन मिल को लेने के लिए हमें 60 लेते हैं और सब पे छिड़केंगे। नहीं गैस मजाक कर रहा हूँ, इतना बोन मिल हो सकता है बाद में काम है। टिचके आऊँ 2 छिड़कूँगा उग जाएगा, और ये छिड़का 2 बोन मिल इस पर, और इस पर 3, 1, 2, 2 और एक और छिड़क देते 3। गाइस अब ये बराबर उग चुके, अब हमें इसे तोड़ना है। एक्स से तोड़ूँ, चलो एक्स से तोड़ते हैं। वाह हमारा पहला मीट आप देख सकते हैं, हमारा पहला वीट मीट नहीं सॉरी हमारा पहला मीट आप देख सकते हैं, और इसी के साथ हमारे पास 6 हो चुके हैं सीड। गाइस मैंने बोला था ना कि सीड की टेंशन नहीं है, हम उस पर उगा के फिर तोड़ेंगे तो हमें सीड मिल ही जाएंगी। और ये लगा दिया लास्ट सीड, अब हमें दिक्कत नहीं है, अब इसे हम उगने देते हैं, बाद में उगेगी। और मेरी एक और लामा गिर गई क्या, शिट सारी लामास गिर जा रही है यार। अभी हमें इसे भी लीड में बांधना होगा। तो गाइस यार मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर ली बट दिन होने का और ये मौसम ठंडे होने का मतलब कि अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा। गाइस खत्म खलास नहीं खेल रहा मैं, ऐसा कोई और बोलता बट हम खेलेंगे, हिम्मत है मेरे अंदर, मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन नहीं रहेगी अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और ये रास्ता मनहूस है, सबसे पहले हम इसे फिलअप करेंगे, लेकिन मेरे स्लैब्स तो गए। तो चलो गाइस यार इधर के प्लेटफॉर्म को मैंने भर दिया है, आप देख सकते हो अब हम बारी आ चुके हैं यहाँ का भरने का। तो अभी हम फटाक से भरते, रुक जा पहले स्लैब तो ले ले 16 में क्या होगा। गाइस अभी मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है क्रीपर से और पिलेजर से, इसका लेटन से भी लगता है बट बहुत कम लगता है जितना पिलेजर से लगता है।
दो स्टैक सिर्फ बचे, मुझे लग रहा है कि और पेड़ को लेना पड़ेगा। और मेरे पास अभी स्वॉर्ड भी नहीं है, मैंने ली भी नहीं है। अभी हम फटाक से इसको लगाना शुरू कर देते हैं और भर देते हैं। तो गाइस और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने इस एरिया को फिल कर दिया है, और हमारे जो वीट फार्म है इसमें मैंने पूरे सीड्स लगा दी, और ये धीरे धीरे उग भी रहा है। और ये एक सीड मैंने अभी लगाई है, और ये देखो पूरा मैंने फिल कर दिया है। तो फिर चलो गाइस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल याद है ना, 10 लाइक्स फटाफट से कम्प्लीट कर दो। चलो फिर ख़त्म करते हैं।